सोलन में बिना रूट परमिट और बगैर रूट टैक्स दिए सड़कों पर धड़ल्ले से निजी बसें दौड़ रही हैं। विभाग को ऐसी शिकायतें मिलने के बाद चीर निंद्रा से जागो विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके तहत कुल 8 बसों को जब्त किया गया है, जिसमें से कुछ बिना परमिट के चल रही थी तो कुछ बसें रोड टैक्स ही जमा नहीं करवाया था। विभागीय जानकारी के अनुसार सोलन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में 191 निजी बसें हैं और इसके हिसाब से ही बस रूट हैं, जबकि इन रूटों से अधिक बसें सड़कों पर दौड़ने की शिकायतें विभाग में की गई थी, लेकिन यहां संबंधित अधिकारी इस बात को पूरी तरह नकारते हुए नजर आए कि सोलन में रूट से अधिक निजी बसें हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी MD शर्मा ने बताया कि जितने रूट हैं उतनी ही निजी बसें सड़कों पर हैं। रूट से अधिक बसें होने से उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि 8 निजी बसों को जब्त किया गया था, जिसमें कुछ ने टैक्स जमा नहीं किया था और कुछ के पास परमिट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे निजी बस मालिक सभी औपचारिकताएं पूरी करते जाएंगे, वैसे ही विभाग द्वारा बसों को मालिक के सपुर्द कर दिया जाएगा। एक्सीडेंट हमारे पास सोलन में एज पर अवर ऑफिस रिकॉर्ड जो है वो 191 परमिट जो है वो इशूड हैं। उसी के हिसाब से हमारे पास 191 जो है वो बसेस हैं। हमने अभी तक जो है वो 8 बसेस को जो है वो इम्पाउंड किया था। वो कुछ लोग जो है वो पे नहीं कर रहे थे, तो उनको जो है वो बाध्य करने के लिए कि वो स्पेशल रोड टैक्स पे करें, उसके तहत उन बसों को जो है वो इम्पाउंड किया गया है। दूसरी बसेस जो जिन लोगों के पास जो है परमिट नहीं है, जब वो परमिट हमें दिखा देंगे उनको हम रिलीज कर देंगे।